कहलाता है, वो S1 है उसका, हाँ तो उसका क्राउड कंट्रोल अच्छा है। तो तुम्हें गैंक में जो अपने टीम को हेल्प करने में बहुत फायदा होता है, लाइक गैंक वहां पे इनिशिएटर तुम अच्छे वहां पे बन सकते हो। और तुम्हें क्या लगता है कि ये हाँ थेन हीरो का क्या कौन है, मतलब ऐसे क्या चीजें जो थेन में गलत है, उस वजह से वो फंस भी सकता है, ऐसी कौन सी चीजें थेन की? गलत, जैसे कि एनिमीज को टावर के अंदर लेके जाना, उनके टावर के अंदर। अच्छा, तो नहीं नहीं वो गलत कैसे वो हो गया, तो, मतलब अरे देखो स्टन, मतलब जिसका हीरो स्टन मारेगा वो तेरे को प्रॉब्लम देगा ना तेन में, जहाज जैसे कि प्रॉब्लम जरा बोल काउंटर रहे थे इनका बोल रहे, काउंटर काउंटर बोल दे रहा, काउंटर। नहीं, काउंटर से ज्यादा तो मैं यहाँ पे ये करूंगा कि मेरे ख्याल से जब थेन का हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए वेट कर लेते हैं। ड्रैगो स्लेयर लेन तुम ले रहे हो, तो क्या तुम्हें स्लेयर लेन अभी लेना है बाद में लेना है? मैं बाद में लूंगा, मैं ओके, अपने मिड ही लेन टीम कौन को खेल रहा है? मिड लेन स्नाइपर, मिड लेन में खेलू। हाँ मिड लेन खेलो। अभी सामने देखो राज आ चुका है, तो वो हिसाब से क्या लगता है तुम्हें कौन सा मिड लेन पिक यहाँ पे सही रहेगा? और एक ये ले लेना, MM ले लेना, डेबियन तुम MM ले लो, MM को गाइड अभी नहीं चाहिए, कोई भी MM ले लो। अरे भाई मिड लेन में मेरे को क्रिक से कह रहा हो, कुछ नहीं आता भाई। नूबड़े, मेरा था वीरा मेरा वीरा आता है, वीरा ले लो, वीरा सही रहेगा यहाँ पे। ठीक है। और बोल रहे टीचर ओके, सो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे हम लोग ने मिड पे वीरा पिक करी है, तो वीरा मेरे ख्याल से पिक इसलिए हुए गाइस कि यहाँ पे राज जो है वो जब इनिशिएट करेगा तो उसको स्टन देने में काफी ज्यादा ये काम में आएगा, इसलिए यहाँ पे वीरा पिक हो चुकी है। पर इसका माइनस पॉइंट तुमको क्या लगता है स्नाइपर, मतलब ये कहाँ पे चोक हो सामने सकती है? रोर तो के रोर को स्टन नहीं बैठता है, राइट? तो ये इसका गाइस एक कॉन्स हो जाता है, जहाँ पे गाइस अगर कोई शील्ड वाले हीरो है, जैसे कि अपना रोरुके है, लेवाइल है, तो उसके सामने ये जो वीरा है ये इतनी काम की नहीं रहती है। ठीक है, सो अभी टीम कॉम्पोजिशन के हिसाब से अभी थेन मेरे को तुम बताओ कि मेरे ख्याल से जितना गाइस मेरे को लग रहा है ना थेन का, तो थेन गाइस कभी कभी क्या होता है कि जैसे विस्प अगर अब तुम्हारे पास है, MM है, तो थेन कभी कभी अल्ट में से बाहर निकाल देगा बंदों को, कभी कभी गलत जगह पे गलत इसके S1 हो जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो 3v1 सिचुएशन में क्या थेन सर्वाइव कर पाता है? नियो हाँ कर, S1 ओके S1 से आराम से सर्वाइव कर पाए। तो तुम्हें क्या लगता है, लाइक कोई टिप्स सजेशन देना चाहोगे इसके बिल्ड के ऊपर, क्या इसकी ऐसे आइटम्स है जो इसने लेने चाहिए स्पेसिफिकली? अच्छा, काउंटर में, सपोर्ट के काउंटर में तुम्हें क्या लगता है अभी थेन को कौन सा सपोर्ट यहाँ पे काउंटर कर सकता है? थेन को काउंटर, मतलब मेरे ख्याल से ना उसे थेन को यहाँ पे एलिस मेरे ख्याल से काउंटर कर सकते हैं, कि जब वो आगे जाए खींचने नंबर तब उसको नंबर भी करते हैं लंबर भी काफी अच्छा है, एनिड यहाँ पे थेन को काउंटर कर भी सकता है। अच्छा, एनिड, एनिड बहुत अच्छा यहाँ पे काउंटर कर सकती है थेन को ऑब्वियसली, बिकॉज इसके घुसने के स्किल से, तो एनिड यहाँ पे काफी अच्छी यहाँ पे काउंटर पिक हो सकती है। जाते हैं। दिल दो मुझे दिल। अरे ओके, सो यहाँ पे बैन है भाई, सील कहा बैन है? अरे बैन करने का है अपना पीक, अच्छा, बैन बैन करना है। ये तो टीम कॉम्पोजिशन के हिसाब से गाइज यहाँ क्या बैन पे करूं, लंबर बन कर दो। लंबर बैन कर दो। सो तुम अब देख रहे हो टीम कॉम्पोजिशन के हिसाब से हम लोग लंबर यहाँ पे बैन किए, क्योंकि सामने लंबर अभी तक पिक नहीं हुआ है, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे लंबर बैन कर रहे हैं, ताकि अपने सपोर्ट को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आए ना, समझ रहे हो? अच्छा, अर्ली गेम में सपोर्ट ने क्या करना चाहिए नियो, मतलब अर्ली गेम में सपोर्ट का क्या रोल होता है? बफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अब अपने बफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ओके। हाँ और मिड गेम में तुम्हें क्या लगता है कि एक थेन का रोल क्या होना चाहिए, मतलब जो सपोर्ट खेलता है, तो मिड गेम में जब एक 8 मिनट तक वगैरह गेम आ जाता है तब क्या करना चाहिए सपोर्ट ने? वही ट्राई करना, आई गेस सो सब मेरे टीम ख्याल खेलो। से, या आई गेस सो मेरे ख्याल से विजन पे अगर मिड गेम पे नजर रखे तो ज्यादा अच्छा है, या तभी बफ सेव करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? विजन पे विजन पे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। और लेट गेम की अगर बात करें तो सपोर्ट का क्या यहाँ पे रोल है, लाइक जितना मेरे को लग रहा है कि लेट गेम में अगर गैंक में सही तरीके से इनिशिएट करे और डैमेज ले सारे बंदों का, क्लेंसिंग और है ना भी सही टाइम पे देना क्लींजिंग चाहिए। सही टाइम पे देना चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे बताया गया इसके, लेट गेम में अगर तुम्हारा क्लींजिंग सही टाइम पे नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो जंगल रोल है वो जील यहाँ पे पिक किया जा रहा है। और क्या बचा तुम्हारा, स्लेयर लेन, ज़ेरोथा स्लेयर लेन कौन सा ले रहे हो? सॉरी, ड्रैगो, ड्रैगो स्लेयर लेन, यान। ओके, सो अभी पहले बात करेंगे ड्रैगो से, तो ड्रैगो यान तुम्हें क्यों यहाँ पे सही लगा?
ये या नहीं पिक करना चाहिए, ऐसे सामने क्या है ऐसे पिक से जो तुम्हें सबसे लगे। पहले तो जो यैन है उसकी मोबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब ओपोनेंट में प्लेयर लेन कोई भी आ जाए, यैन इजीली काउंटर कर जाएगा। राइट और सेकंड राइट, और अगर तुम्हें रोटेशन भी देना थिंग, है अर्ली गेम में हाँ, तो भी तुम इजीली रोटेट कर पाओगे। हाँ और सेकंड थिंग, यैन का जो अल्टीमेट है वो लेवल वाइज अपग्रेड होता है। ओके लेवल 1 के अलग होता है, लेवल 2 पहले तो इसका बर्स्ट डैमेज लेवल 3 तक जाते जाते उसके अल्टीमेट का बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ओके इजीली मतलब तो ये इसके प्रोज रहे। इजीली और तुम्हें क्या लगता है इसके मैच। कॉन्स क्या है, मतलब क्या ये हीरो को एकदम गंदा बनाता है, लाइक कहाँ पे ये फंसता है, क्या तुम्हें लगता है ये हीरो में से क्या गलत करेंट चीज है, डिसएंगेज करना मुश्किल है, क्या तुम्हें लगता है डिसएंगेज टाइम करना मुश्किल है या अल्ट में काफी ज्यादा टाइम ले लेता है ये, अच्छा क्या तुम्हें ऐसे लगता है कि क्या इसके ऐसी चीज है। मेरे को नुबड़ा है। अरे मुझे ये सबसे इसका बुरी बात सबसे है कि अगर इसने स्टार्ट कर दिया, अगर टीम फाइट नहीं मिली तो ये बहुत इजीली काउंट कर जाएगा। टीम ओके फाइट में ही जाएगा, ओके सो क्या तुम्हें इसने लगता है कि गलत ये तरह वन से गेम वी लेकर निकाल के भागा जाएगा। राइट 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 तो तुम्हें क्या लगता है कि 1v5 कर सकता है यान, या ऐसा हीरो जो 1v1 करके निकलना चाहिए, क्या तुम्हें लगता है अच्छे कि हाथों में वो तो पक्का कर देगा ये। ओके अगर मतलब अच्छा है, अगर किसी बंदे ने मास्टर कर लिया यान को तो 1v5 भी वो इजीली कर सकता है, बहुत इजीली, हाँ ये बहुत कर इजीली कर सकते सकता है। ओके बढ़िया है यहाँ पे। एंड बेस्ट टीम सिनर्जी, तो यहाँ पे टीम सिनर्जी में तुम्हें लगता है कि यान मतलब कुछ रोल यहाँ पे कर पाएगा, मतलब तुम रोटेट कर पाओगे अर्ली गेम में या नहीं करना है हैं। रोटेट हाँ अपना यान पूरा से। 100% दूंगा अच्छा हर तुम गेम ओके 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 सो में। यान को मेरे को बताओ, यान यान से तुम सोलो किल कैसे कर पाओगे, लाइक तुम स्लेयर पे अभी तुम देख रहे हो तुम्हारे हाँ सामने यहाँ पे स्लेयर राज पे आई आएगा, गेस राज। आ रहा है राज, ठीक है जहां तक मेरे को लग रहा है, तो राज को तुम हाँ सोलो किल कर सकते हो अर्ली गेम में या नहीं कर सकते हो, लाइक क्या चीज है। रेंज वालों को तो मुश्किल है ओके तो पूरा। राज तो आई गेस तो थोड़ा मेली में ही हो जाता है, तो क्या तुम राज को हाँ यहाँ पे अर्ली गेम में मार सकते हो या अर्ली गेम में वो अगर ज्यादा है। मैं एडवांटेज दूंगा राज के ऊपर, अगर एडवांटेज है मैं उसका जाऊंगा इसके ऊपर, नहीं तो मैं अपना ओके फार्म मतलब करूंगा। अगर सही टाइम अगर तुम्हें मिलता तो तुम गैंक कर सकते हो राज के ऊपर, अदरवाइज तो थोड़ा सा मुश्किल। ओके मेरा कल यहाँ पे जंगल में तुमने जील पिक किया, तो क्या उसका रीजन है कि तुमने जंगल में यहाँ पे जील यार उठाया। सामने ब्रूनहिल्ड है, सब सब ओके नटेल है, इजी किल कर सकता हूँ सबको, समूह रहे हैं अपना। राज ओके है, अल्टीमेट से मार सकता हूँ उन्हें सबको मैं, ओके मतलब यहाँ पे इसको तुम दिखाऊंगा। इनवर्नलेबल हाँ होके तुम यहाँ पे इजीली जो नटालिया है जो ब्रून हिल्डा अपनी है उसको तुम इजीली मार सकते हो, इसके लिए तुम वो ले रहे हो, इजी काउंटर है जी इजी सबको। काउंटर है। ओके सो काउंटर वाइज यहाँ पे जंगल लेना चाहिए तुम्हें लग रहा है या ड्यूरेबल जंगल यहाँ पे लेना चाहिए, काउंटर हाँ वाइज लेना चाहिए, तो काउंटर इसलिए तुमने यहाँ पे काउंटर, तो ब्रून हिल्डा के अल्ट में तुम डायरेक्टली जाके घुस के गैंक कर दोगे। एंड मार सक, हाँ कर दूंगा, रोनाल्डो ओके को ही पकड़ूंगा तो पीछे से। क्या स्किल्स यूज करोगे ब्रून हिल्डा, मतलब ब्लिंक मार के जाओगे या तुम्हारे ठीक है, हाँ ब्लिंक मार के फर्स्ट पावर अल्टी। ओके ब्लिंक मार के फर्स्ट पावर यूज करोगे उसके बाद अल्ट यहाँ पे तुम यूज करोगे। ओके 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 सो क्या इसका सपोर्ट में गाइस अगर तुम देखोगे यहाँ पे थेन जो है अपने बफ प्रोटेक्ट कर रहा था, सो थेन यहाँ पे बफ प्रोटेक्ट कर रहा है अर्ली गेम में, अभी तुम क्या करने का सोच रहे हो अभी नहीं हो यहाँ पे तुम, मैं उनका बफ, उनका अच्छा जंगलर का ये देख रहे हो कि वो फॉर्म ले अलग रहा है कि ले, थोड़ा सा उसको हरेस करके यहाँ पे तुम ओके हाँ उसका फॉर्म लेट कर रहा हूँ ओके प्रोफेशन। फार्म लेट कर रहे हो, और यहाँ पे केल भी काफी अच्छा मतलब चांस था यहाँ पे। ओके यहाँ पे उसका बफ भी तुमने ले लिया है, तो भले ही तुम मरोगे पर फिर भी यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन हो चुकी है बिकॉज जंगलर के पास उसका बफ नहीं है, सो ये काफी अच्छा अर्ली गेम का यहाँ पे अपने को सपोर्ट का रोटेशन देखने मिल रहा है। अगर हम बात करें स्लेयर की तो स्लेयर ने भी काफी अच्छा वही टाइम पे सपोर्ट किया, तो अर्ली गेम में अगर आपका सपोर्ट अगर जा रहा है जंगल में तो स्लेयर भी अगर जाता है तो आप देखते हो कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, बिकॉज ड्रैगो का भी काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे पड़ा, आई मीन यान का भी काफी ज्यादा डैमेज यहाँ पे पड़ा था अपने रोरुक के ऊपर। अभी जिल अभी तुम जिल के दोनों बफ आ चुके हैं, तो जिल यहाँ पे ओके ट्राई कर रहा है यहाँ पे सामने वाले जो जंगलर है उसके ऊपर हरास करने का, तो तुम अभी जंगल लेने गए थे या किल करने गए थे मेरे को। मैं जंगल लेने गया था अच्छा क्योंकि हमारा था ना लेट हो राइट गया। राइट, तो थोड़े 2 सेकंड के लिए तुम लेट हो गए वरना तो तुम पहुंच जाते। हाँ तो स्नाइपर अर्ली गेम में अभी तुम क्या ट्राई कर रहे हो। किल, ओके बहुत अच्छा यहाँ पे किल उठाया गया है। ओके यहाँ पे पूरे के पूरे टीम ने यहाँ पे बहुत अच्छा रोटेट किया है, एंटेलेनस के भारी सपोर्ट के साथ यहाँ पे भाई पीछे से कतई जहर डैमेज दे जंगल रही है, हो रहा किल है उठा रही। शेर पे।
तो यहाँ पे जंगल मरा है, इसके वजह से अपने जो बंदे है वो ड्रैगन घुस के ड्रैगन इजीली ले रहे हैं भाई। कैसे ये लोग मूव कर रहे हैं, कैसे नहीं, सारी चीजें बता रहे। अच्छा स्नाइपर मिड लेन तुम हो तो तुम कहाँ पे ज्यादा राइट सपोर्ट करते हो, रोम करते हो, लाइक खुद के लेन में ही ज्यादा रहना प्रिफर करते हो या क्या करते हो? नहीं, जिधर ज्यादा प्रेशर हो रहा है उधर रोटेट करना पसंद करता। ओके तो अभी डीएस पे ज्यादा प्रेशर हो रहा है तो डीएस पे। ओके तो तुम पहले रोटेट करते हो या तुम बाद में रोटेट करना ज्यादा सही समझते हो, लाइक क्या यार? पहला रोटेशन ज्यादा अच्छा रहता है। ओके सो यहाँ पे बहुत अच्छा गैंग आप देख रहे हो गाइस। अभी अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पे, अरे यार ये रोर्की का भाई। ओके रोर्क यहाँ पे इजीली मार के जा चुका है। सो ड्रैगो अभी तुम क्या सोच रहे हो, मतलब क्या सोच के रोटेट दे रहे हो, लाइक किल लेना है या मिनियन क्लियर करने हैं, क्या अभी तुम? मैं अभी सोच रहा हूं सपोर्ट करूं। ओके पर अभी ओके तो अभी ऊपर मिनियन आए तो ये क्लियर करके तुम नीचे निकलना पसंद करोगे, है ना? ओके सो तुम्हारे पास आई गेस सो स्लेयर और ड्रैगन दोनों है अभी। ओके तो ये काफी एक पॉजिटिव सिचुएशन है तुम्हारे लिए। तो अभी तुम इससे 1v1 कर सकते हो। ओके टावर में ले जाने की कोशिश तुम्हें कर रहा है, काफी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट, पर यहाँ पे किल। ओके सपोर्ट ने यहाँ पे किल कर दिया है, बहुत प्यारा यहाँ पे, और मिरेकल ने भी यहाँ पे मिड पे किल उठा लिया भाई, गजब। सो यहाँ पे अभी ड्रैगो अभी एक 4 मिनट तक तो हो चुके हैं, अभी क्या सोच रहे हो तुम, अभी क्या करना है, मतलब ऊपर जाना है तुमको या बॉट पे जाना है या क्या? बॉट पे ज्यादा करके आई गेस वो स्लेयर लेन रोटेट नहीं करता है, सो तुम्हारा क्या ख्याल है, बॉट पे रोटेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बॉट में गैंक कोई तो मैं जरूर। ओके अगर ऐसा हुआ। ओके अभी ये मेज को क्या तुम मार सकते हो इजीली? बिल्कुल नहीं मार सकता, मेरे भागे ना। ओके गैंग देखो इधर, ओके यहाँ पे तुम्हारे मरने के चांसेस भी हो सकते हैं। अरे तीन के दो तीन कितने ही खेल रहे हैं। ओके सो यहाँ पे जंगलर का काफी अच्छा ऊपर रोटेट रहा, पर उनको रोटेट नीचे देना चाहिए था बिकॉज उनका एमएम यहाँ पे मरते जा रहा है। सो लाइकवाइज तो काफी अच्छा चल रहा है, स्लेयर अगलेन का बंदा अभी भले एक बार मर जाए पर इनके पास टावर डैमेज नहीं है, इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ पे। तो स्नाइपर अभी तुम कब रोम करते हो मेरे को बताओ, जैसे अभी तुमने यहाँ पे मिनियन मार दिया तो अब क्या तुम आने वाली लेन क्लियर करोगे या अभी नीचे जा रहे हो? ओके डायरेक्टली नीचे जा रहे हो क्योंकि यहाँ पे गैंग हो रहा है उसके वजह से। ओके सो इसको क्या तुम मार सकते हो अभी, घुस के मारने की कोशिश करोगे? ओके उसके पहले ही जंगल हीरो ने गाइस यहाँ पे किल उठा लिया। सो मिड स्क्विशी होने के कारण काफी पीछे से खेला जाता है गाइस जब तुम लोग रोम करते हो, अगर तुम मैच खेल रहे हो थोड़ा पीछे से ही खेला करो ताकि तुमको बहुत इजीली यहाँ पे आने जाने का चांस मिले, समझ रहे हो? बहुत प्यारा यहाँ पे गाइस रोटेशन हो रहा है, तुम देख सकते हो जैसे ही टाइम मिल रहा है यहाँ पे मिनियन फटाफट क्लियर करके इधर उधर रोटेशन दिया जा रहा है। सो ये रोटेशन काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे ही यहाँ पे अभी देख रहे हो किल का चांस था टेलेनस को यहाँ पे बैकअप देने का चांस था तो वापिस मैच यहाँ पे रुका एंड अभी वापिस आगे जा रहा है। मिड पे यहाँ पे किल हो चुका है, स्टन ऑब्वियसली नहीं पड़ेगा तो इसका किल पक्का जाएगा, जैसे कि ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जो हमने कॉन्स बात करी थी कि रोरुगे को स्टन नहीं पड़ेगा, यही वो चीज है गाइस जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। और ड्रैगो यहाँ पे जब मिड पे गैंक हो रहा है तब ऊपर का टॉवर ले लिया है सही तरीके से और गैंक करने की कोशिश है यहाँ पे। ओ हो, अगर वो मरता यहाँ पे तो मजे आते, पर यहाँ पे नहीं मरा है। सो 1v3 1v4 की सिचुएशन थी, थोड़े से अटैक में थोड़ा सा स्कैम हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे 1v4 की सिचुएशन नहीं क्रिएट हो पाई। आई गेस सो लेट गेम में यहाँ पे 1v4 1v5 करना यान से मेरे ख्याल से इजीली पॉसिबल है, अर्ली गेम में थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट तो पक्का। एक्चुअली नैट नहीं होती तो इतना हार्ड नहीं पड़ता है ना।
नेट का जो डैमेज है टैंक्स नहीं, को, कोई एक सपोर्ट भी तो ओके सपोर्ट टू में ऊपर मिल नहीं रहा है। रोटेशन मतलब हल्की सी, दो सेकंड लेटता हुआ, 2 सेकंड यहाँ पे सपोर्ट थोड़ा सा लेट हो रहा है। अगर सपोर्ट यहाँ पे जल्दी पहुंच जाता, मतलब सपोर्ट में अगर गाइस देखोगे तुम, मेरे ख्याल से सपोर्ट का रोल ऐसा होना चाहिए कि कहाँ पे बंदे आने वाले हैं वो तुमको पता हो, कि अगर तुम वहां पे पहुंचते हो तो तुम्हारा सपोर्ट रोल यहाँ पे, देखो जैसे अभी की बात थी, यही मैं बात कर रहा था, जैसे सपोर्ट रोल अभी सही तरीके से गया एंड जिल ने यहाँ पे फाइनल दे दी, बहुत अच्छा है यहाँ पे सपोर्ट रोल का अभी रोटेशन रहा। तुम देख सकते हो कहाँ पे गैंग आने वाली है ये सोच के यहाँ पे रोटेशन दिया जा रहा है, पूरा टैंक कर रहे हमारे सपोर्ट, ताकि पूरा का पूरा डैमेज यहाँ पे उठा पाए। यही सपोर्ट रोल का काम है, जैसे बताया था मिड गेम में यहाँ पे डैमेज लेना और विजन लेना सपोर्ट का काम है, जो हमारे नियो है वो कर रहे सही तरीके से। स्लेयर लेन की अगर बात करें तो जहाँ पे गैंग हो रही है वहां पे एक सोलो पुश दिया जा रहा है, तो ये भी टीम के लिए एक्चुअली सही है गाइस। अगर अपना तुम्हारी टीम अगर आराम से 4v5 अगर कर रही है या 4v4 की सिचुएशन है और अपनी टीम आराम से मार रही है बंदों को किल फील्ड में देख रही, तब स्लेयर लेन के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं रहता, तो वो लेन पुश कर सकता है ताकि तुम्हारा टॉवर डिफरेंस बना रहे और गोल्ड तुम्हारे पास ज्यादा रहे। जैसे तुम गोल्ड में डिफरेंस देख रहे हो 27.6 के यहाँ पे गोल्ड ब्लू टीम के पास है और रेड टीम के पास 22,000 यहाँ पे गोल्ड है, सो ये काफी ज्यादा डिफरेंस यहाँ पे अपने को देखने मिल रहा है। अभी जंगल तुम्हारे पास दोनों बफ ऑलरेडी है, सो यहाँ पे अभी मिड गेम तक आ चुका है गाइस, 9 मिनट का गेम हुआ है, तो अभी तुम क्या सजेस्ट करोगे मिरेकल यहाँ पे, अभी तुम्हें क्या करने लाइक गैंग करके खत्म करने का भी सोच रहे हो? बॉट पे गैंग करूंगा ओके और खत्म करूंगा। ओके सो यहाँ पे बॉट पे गैंग करके खत्म करने का यहाँ पे ट्राई होने वाला है, सो एक बार हम लोग ये ऊपर के व्यू से देखते हैं कि कैसे ये गैंग होता है। ओके यहाँ पे इनिशिएट कर दिया है जील ने और जील यहाँ पे एक इजी किल लेके बैकआउट हो गए हैं बिना कोई एचपी लॉस करते हुए, जैसे आप देख सकते हो एचपी लॉस हुआ नहीं। ओके तो अब तुमने वो वहां पे मारा एंड देन बैक आके बफ ले लिया, तो ये डिसीजन तुमने कैसे लिया, मतलब क्या सोच के लिया? क्योंकि मैं होता तो आगे गैंग कंटिन्यू करता, तो तुम वो आगे टावर में सब वो सब आ जाते फिर मर जाते कभी एक एक करके। ओके जैसे अभी मरे अपने बंदे है ना, एक स्नाइपर वहां पे मरा बिकॉज वहां पे ज्यादा टाइम होल्ड हो पाया। ओहो ओहो मतलब इसके अल्ट में उसके शील्ड का इतना कोई यूज नहीं होता है रोरुके का। सिर्फ वो स्टन अवॉइड कर सकते हैं, बाकी शील्ड तो ऐसे कुछ है नहीं एज सच, कुछ नहीं। अगर उसके हाफ एचपी हो जाती है और वो शील्ड अगर एक्टिवेट करता है तो तुम्हें उसकी पूरी एचपी निकालनी पड़ेगी या उतने से ही वो खत्म कर दो? शील्ड आई उतनी निकालनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी है ना। पर उसने आई गेस तो जल्दी चालू किया था अल्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उसकी कम एचपी थी और फिर उसने चालू किया। तुम्हें क्या लगता है? मेरा यहाँ पे ध्यान उतना गया नहीं, पूरे एचपी पे चालू किया था उसने? हाफ एचपी पे किया था, फिर भी उसको बहुत इजीली मारा, मतलब तुम्हारे अल्ट ने उसकी ऑलमोस्ट सारी एचपी खा ली थी। राइट राइट राइट, सो यहाँ पे जील काफी अच्छा एक काउंटर पिक रहा गाइस, जहाँ पे सेवियर का काम। अच्छा तुम इसको भी अभी इजीली ले सकते हो अगर तुम्हारी अल्ट लोडेड है। जी बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे बहुत इजीली यहाँ पे किल्स उठाए जा रहे हैं गाइस, आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे इजीली जंगल से यहाँ पे किल उठा पर सपोर्ट का आप काम देख रहे हो लेट गेम में काफी अच्छा इनको नॉक बैक कर रहे हैं, और वही चांस मार के हमारे जो प्लेयर है यहाँ पे गेम खत्म कर रहे हैं, यही नॉक बैक का यूज किया जा रहा है। और यहाँ पे रेड टीम पॉज करते हुए बिना किसी रीजन का, सो गाइस आई होप यस करूंगा घुस के मारने का भी। अभी यहाँ पे ट्राई किया जाएगा घुस के मारने का और मार दिया है यहाँ पे और किल यहाँ पे अपने सपोर्ट के पास आ चुका है, बहुत अच्छा गाइस। सपोर्ट मेज स्लेयर और जंगल यहाँ पे देखने मिला, क्या बोल रहे हो? सपोर्ट को ट्राई करना है किल्स ना ले ज्यादातर जो तुमने अभी किया। हाँ क्यूट इन द चैट हो जाए, समझ रहे हो? सो ये था गाइस तुमको सब बताया हम लोगों ने कि भाई कैसे कौन सा रोल तुमको खेलना है, कैसे गाइस तुम लोग को मिड लेन अर्ली गेम में क्या करना है, मिड गेम में क्या करना है, लेट गेम में क्या करना है, ये उसका एक एग्जांपल है। कैसे गाइस तुमको स्लेयर लेन को आगे लेके जाना है, कैसे सोलो पुश करना है, कब तुमको गैंक में इनिशिएट करना है, कब नहीं करना है, ये सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे पता चल गई होंगी आई होप। एंड आई होप गाइस तुमको ये भी पता चल गया होगा कि कैसे तुम्हें
कैसे तुम्हें जंगलर से गाइज यहाँ पे आगे जाना है, कब फार्म करना है, कब बैकआउट करना है गैंग से, कब आगे जाना है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो डिसीजन होते हैं जो क्विकली तुमको लेने होते हैं तुम अगर जंगलर हो तो, वो सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे मैंने बताई। अगर वीडियो अच्छा लगा है गाइज तो लाइक कमेंट शेयर ठोक दो और कमेंट में लिख दो और कौन सी वीडियो तुम देखना चाहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पारा पारा पी मजा आ गया रे बबड़ी है। गोहुल हाय, अभिजीत रॉय हाय। वीडियो वाले गेम बहुत अच्छे जा रहे वीडियो वाले गेम अच्छे जा रहे, मतलब मैं स्पेक्टेट में बैठ जाता हूं, तुम स्पेक्टेट में बैठ के तुम्हें नरेशन कर दो। डायरेक्टली तेरा कुछ गरज नहीं है, तू आते तो हारते ऐसा बोलना चाहता हूं। नहीं, आज के सभी अच्छे रहे। सो गाइस यहां पे अभी हम लोग अपनी जो स्ट्रीम है इसको हम लोग बंद करेंगे, एक बार देखते हैं कि कुछ और बाकी है क्या। मिड लेन हो गया, स्लेयर लेन हो गया, सपोर्ट हो गया, जंगल भी हो गया, चारों